स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के मैथन की आदर्श सेवा समिति ने किया वृक्षारोपण। मैथन आदर्श सेवा समिति मास द्वारा आज वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा ध्वनि यंत्र के माध्यम से कोरोना वायरस जागरूकता अभियान चलाया, साथ साथ गरीब लोगों के बीच मास्क वितरण किया। समिति ने हैंडबिल बांट कर लोगों को कोरोना वायरस से बचने का उपाय बताए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति ने रांची कॉलोनी स्थित मिनी मार्केट प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ निरसा के SDPO विजय कुमार कुशवाहा, समिति के संरक्षक डॉक्टर RC मिश्रा, समिति के सदस्य सह DVC के कार्यपालक अभियंता चित्रंजन साहा तथा मैथन एगोन ओ तखन के अध्यक्ष पुलक राय ने अशोक का पेड़ लगाकर किया। इसके बाद समिति द्वारा पूरे मैथन के बाजारों में दुकानदार एवं खरीदारों से ध्वनि यंत्र के माध्यम से आग्रह किया। समिति के सचिव शंकर गांगुली ने बताया कि 1 अगस्त से 10 अगस्त तक स्कूली बच्चों के बीच प्रबंध लेखन, नृत्य तथा कविता पाठ ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ग्रुप ए में कक्षा 5 तक के बच्चे, ग्रुप बी में 6 से 10वीं तक के बच्चे भाग ले पाएंगे। निबंध लेखन में जीवन कोरोना के साथ पर 50 वाक्य में लिखकर भेजना है और कविता पाठ और नृत्य वीडियो करके व्हाट्सएप पर भेजना है। इन सफल प्रतियोगिताओं को 15 अगस्त को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ साथ मैट्रिक तथा इंटर के सफल विद्यार्थियों को भी उसी दिन सम्मानित किया जाएगा। समिति के आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में शंकर गांगुली, प्रदीप रंजन चौधरी, असीत कुमार बोस, सुदामा शर्मा, प्रेम यादव, मोहन झेरा इट, उज्जवल महतो, गोरा चांद मंडल आदि का सराहनीय योगदान रहा। निरसा संवाददाता मलाई गोप की रिपोर्ट। आज रांची कॉलोनी मिनी मार्केट स्थित प्रांगण में वृक्षारोपण में निरसा के SDPO विजय कुमार कुशवाहा, समिति के संरक्षक डॉक्टर RC मिश्रा तथा DVC के अभियंता सह समिति के सदस्य चित्रंजन शाह द्वारा वृक्षारोपण कराया गया। इसके बाद ही समिति द्वारा पूरे मैथन में कोरोना वायरस से संबंधित ध्वनि यंत्र के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। इस जागरूकता अभियान में लोगों को मुफ्त में मास्क वितरण किया गया, साथ साथ हैंडबिल के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय के संबंधित जानकारियां दी गई। समिति द्वारा 1 अगस्त से